फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दो दिन से मेरा दांत में ना बहुत दर्द हो रहा है, वो भी स्पेशली जब सोने जाती हूँ। तो शायद आज या कल मुझे डॉक्टर के पास जाना ही होगा। इसमें मेरा प्रॉब्लम है, फीलिंग था वो खराब हो गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा। और पीछे देखिए हालत ख़राब, क्योंकि हम दोनों ना रात को यहाँ पे सोते हैं, उस रूम में सो सकते हैं ये वाला रूम है, लेकिन बेड थोड़ा छोटा है ना, इसलिए प्रॉब्लम होगा ये। और बहुत गर्मी है, थोड़ा खुला खुला सोने से गर्मी में अच्छा लगता है, इसीलिए हम दोनों यहाँ पे सोते हैं। तो ये यहाँ पे नीचे था, तो यहाँ पे उठा के रखती हूँ, क्योंकि इस वाला रूम में बहन उठ गई है, लेकिन मिठी अभी तक उठी नहीं है। उठी नहीं मतलब जगी है, लेकिन उठना नहीं चाह रही है। तो मैं ब्रेकफास्ट फटाफट से बना ली। गुड मॉर्निंग, आप उठो, से गुड मॉर्निंग। उठो उठो, ब्रश करो ब्रश करो, जाओ। आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है सैंडविच। मैंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ कैप्सिकम और टमाटर ही था घर में, पर मैंने दो गलती कर लिया है। एक कि मैं चीज़ डालना भूल गई, और दूसरी गलती ये है कि मैं इसको बिठा के तवे पे थोड़ा इधर उधर चली गई थी, और देखने में एक साइड पूरा काला काला हो गया है। अभी तो पता नहीं, मीठी तो खाएगी नहीं शायद, पर अच्छा हुआ था जस्ट एक साइड काला काला हुआ है। ये देखिए हाल इसका, एक साइड पूरा काला हो गया है। एक्चुअली स्टीम पूरा फुल स्टीम पे था और मैं चली गई थी। पता नहीं अभी सबको कैसे दूंगी ये मैं ब्रेकफास्ट। ये देखिए घड़ी में कितना बजा है, 11:30, और ये अभी अभी ब्रश कर रही है। ये समर वेकेशन मनाया जा रहा है, 2-3 दिन बाद नेक्स्ट वीक से स्कूल है, तब पता चलेगा। तो अभी हम लोग कर लेंगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में जो जल गया था सैंडविच, मैं सोच रही थी मीठी खाएगी कि नहीं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, क्योंकि वो बाजार से आते वक्त रोटी लेके आ गए, उसको बहुत पसंद है रोटी खाना। और मैंने थोड़ा सा लंच भी प्रिपेयर कर लिया है, दाल मेरा हो चुका है चने का, तो चने का दाल मैंने बना लिया है। और अभी बना रही हूँ चिकन। चिकन मैंने ऑलरेडी आने के बाद तुरंत बाद ही थोड़ा सा मैरिनेट करके रख दिया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में, वरना बहुत टाइम लग जाता है। और कंटिन्यूस ऐसे चिकन का ना मुझे तो एकदम पसंद नहीं है, पर ये सब कुछ बनाना पड़ता है मीठी के लिए। मीठी सिर्फ ये चिकन ही थोड़ा खाती है, या फिर वो चने का दाल। मैं जब लंच बना रही थी तब भी फ़ोन आया था कि मेरी दो फ्रेंड आएगी, तो उन दोनों को आप लोगों ने पहले भी बहुत बार मेरे ब्लॉग में देखा है। तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाओ, क्योंकि फटक से अभी शायद 2:30-2:45 वैसे ही कुछ बजा होगा था, और वो तो है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा, बहन को ही बोला था कि तुम थोड़ा कैप्सिकम टमाटर ये सब छोटा छोटा करके कट करके रखो, तो मैं सैंडविच का फिलिंग बना लेती हूँ, बना के मेयोनीज देके रेडी करके रख दूंगी, और उनको बोल दूंगी आते वक्त कुछ लेके आए ऑफिस से आते वक्त। और साथ में आज लस्सी बनाने का मन है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक सर्व नहीं करूंगी, एकदम पसंद नहीं है मुझे कोल्ड ड्रिंक। और একটু সেন্টটা ওর দিকে না দেখাই
তারপরে একটু শুরু হবে বয়স হলে मैंने क्यों इसकी तरफ कैमरा ऐसे रख दिया है पता है? देखिए तो इसका कप और इसका ड्रेस पूरा मैचिंग। वो तो शर्मा रही थी, फिर भी मैंने बोला प्लीज थोड़ा सा ऐसे मुझे लेने दे, कितना अच्छा लग रहा है कप और ड्रेस। वो दोनों चले गए हैं और मैं थोड़ा भी आई हूँ मेरे प्लांट्स को थोड़ा पानी देने के लिए। एक्चुअली ना आजकल इतना गर्मी है, नियम से तो सुबह शाम दो टाइम ही देना चाहिए, लेकिन सच बोलूँ मैं देती नहीं हूँ। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है नेक्स्ट डे। कल मैंने शाम को, और शाम क्या तब ऑलरेडी जब मैं पौधों को पानी दे रही थी तब 9:30 बज चुका था और मैंने और कुछ शूट नहीं किया था। तो आज नेक्स्ट डे है और अभी बजाय 10:15 ऐसा ही कुछ होगा। ये तीनों जा रहे हैं थोड़ा बाहर, गुड़िया को थोड़ा डॉक्टर दिखाना है, कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न नहीं है, जस्ट इस बार थोड़ा दिन ज़्यादा रुकी है बहन, और ये डॉक्टर ही गुड़िया को जन्म के बाद से ही देख रहे हैं, तो इसलिए एक बार जस्ट रेगुलर चेकअप के हिसाब से दिखाने गई है। और वो गए हैं थोड़ा सा सामान लेने बाजार, फिर ये इन लोग के हाथ में ही दे के वो ऑफिस चले जाएंगे सीधे। और मैं फटाफट से थोड़ा सा साफ कर रही हूँ घर, क्योंकि मैं क्या बोलूँ, सब एक साथ बैठने से ना एक भी कुशंस अपने जगह पे नहीं रहता है। और मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ क्योंकि वैकेशन में है और हम तीनों ही बैठ के यहाँ पे गप्पे लड़ाते रहते हैं और क्या। और मैं फटाफट से काम ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि शाम को जाना है मूवी देखने, और मूवी देखने तो जाना है, पर एक बात ये है कि वो कब तक ऑफिस से आएंगे। हम लोग का शो 7:15 से, इसीलिए प्रॉब्लम। आज जब लंच बनाया तो कुछ शेयर नहीं किया क्योंकि कुछ शेयर करने जैसा है भी नहीं, और हम लोग ना आजकल सब फर्श पे बैठ के एक साथ खाते। तो ये था चने का दाल, क्योंकि मेरी गुड़िया को पसंद है, रोज़ ही बनता है घर में। और ये है अरबी की सब्जी कटहल के सीड के साथ, और ये सिर्फ कटहल का सीड फ्राई। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कर लेते हैं लंच। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं मूवी देखने के लिए, और इसको देखिए वो तो चिढ़ा रहे हैं कब से इसको, कि इसको घुसने देगा भी कि नहीं हॉल में पता नहीं, कब से छिके ही जा रही है, एलर्जी है ना तो इसलिए छिके ही जा रही है कब से। क्या पकाई थी और क्या खा लिया मैंने, और बोल रही है आरवी के लिए हुआ है, लेकिन आरवी के लिए नहीं हुआ है। जो भी हो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, और साथ में मेरा एक कजिन ब्रदर भी जा रहा है, वो आया है। बोलो हाय। ये मेरा भाई है, और इसके लिए हम लोग इस तरफ आए इसको हम पिक करने के लिए। अभी हम वेदर बहुत अच्छा वेदर है, बहुत थंडरिंग हो रहा है, बारिश भी आने वाली है बहुत जोरों से। अभी इंटरवल हुआ है और हम लोग नीचे आए हैं थोड़ा, और अभी तक मूवी बहुत अच्छा लग रहा है, आगे भी अच्छा ही लगेगा क्योंकि मेन पार्ट मूवी का जो क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो मुझे पहले ना नाम सुन के थोड़ा थोड़ा ट्रेलर देख के लग रहा था कि पता नहीं कैसा मूवी होगा, ऐसे ही शायद जा रही हूँ, लेकिन अभी अच्छा ही लग रहा है। 10:15 को मूवी ख़त्म हुआ और अभी हम लोग जा रहे हैं घर के तरफ, और बाहर डिनर करना नहीं होगा क्योंकि प्लान था पर कैंसिल क्योंकि बारिश हो रहा है बाहर, अच्छा से ही शुरू हो गया है बारिश। अभी घर जाते हैं और टायर्ड भी लग रहा है बहुत, और भाई को ड्रॉप भी करना है उसके मामा के घर।
तो फ्रेंड्स, मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।